हेलो स्टूडेंट्स, कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गुलाम्स लॉ, जिसमें आने आपको बता दिया था कि गुलाम फोर्स को वैलिड होने के लिए चार्ज जो हैं वो रेस्ट होने चाहिए और चार्ज बहुत ही छोटे यानी कि पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। इसके अलावा गुलाम्स लॉ जो है वो न्यूक्लियस की रेडियस यानी कि 10^-15 और उससे कम की रेंज में वैलिड नहीं होता। नंबर तीन ये था कि जो गुलाम फोर्स है किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, वो किसी अदर चार्ज के प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होता। नंबर चार था आपका कि कूलाम फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि K1Q2 अपॉन आर स्क्वायर वाले लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। और ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। आई होप आपने इस वीडियो को देखने से पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस के डेफिनेशंस पढ़ ली होंगी जो मैंने 11th क्लास में बताई थी आपको। तीन तरीके की, तीन ऐसे डेफिनेशंस थी जो डिफाइन करती है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को, ठीक है। तो आई होप आपने वो देख ली होंगी आज। अच्छा, उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दी थी बट वो वीडियो क्या बीच में कॉल आ गया था तो वो बीच में कट गई थी, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, शायद हो सकता है बच्चों आपने सॉल्व किया हो जो मैंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन बता देती हूँ, पहले आप क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है। क्वेश्चन था कि डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम आपको दे रखी है। हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस आपको सबसे पहले अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना था। आगे की बात मैं बाद में करूंगी लेकिन सबसे पहले काम था डिटरमाइन दी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दैम, बिटवीन दैम, दैम का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के बीच में काम करने वाला हमें अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन से पहले, कि उसमें गिवन क्या क्या है ना, ये पता लगाना कि उसमें गिवन क्या है। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, एटम आपको कैसा दे रखा है, एच एटम। एच एटम में डिस्टेंस यानी कि आर है ना, किस किस के बीच के डिस्टेंस है, डिस्टेंस है आपके इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और ये आपको कितनी दे रखी है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 5.3×10^-11 मीटर, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे कि ये फर्मी नहीं है भाई, फर्मी होता तो 10^-15 होता, पर ये है 10^-11, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, अट्रैक्टिव पोटेंशियल और सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स निकालना है, यानी कि आपको कूलाम फोर्स फाइंड आउट करना है कितना होगा। हम फॉर्मूला तो जानते हैं, F=K Q1 Q2/R², ये जो कह रहा है ना कि फाइंड आउट अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो आपसे कूलाम फोर्स ही पूछ रहा है, आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, F फाइंड आउट करना है। तो ये जो कूलाम फोर्स है वो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, ठीक है। अट्रैक्टिव इसलिए है, कह रहा है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का ही तो होगा, ठीक है। और मैंने बताया भी था आपको कि जो कूलाम फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसी के दो नाम है, कूलाम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस ये दो तरीके की नेचर का होता है, अट्रैक्टिव का भी और रिपल्सिव का भी, ठीक है, ठीक है भाई। और इसको फिर मैं कंपेयर करूंगी विद ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर मैं बाद में आऊंगी, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो F=K, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ QE-, ठीक है। और चार्ज किसका, प्रोटॉन का, दो चार्ज है आपके बारे में को पता है, Q1 Q2 तो अननोन थे लेकिन इस क्वेश्चन में मैं जानती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है और दोनों के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। देखें K की वैल्यू कितनी होगी, हम जानते हैं फिक्स होती है 9×10^9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6×10^-19, मैग्नीट्यूड तो यही होता है। प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड भी यही होता है, 1.6×10^-19, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है, ये तो नेगेटिव नेचर का होता है और ये पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो आप चाहें लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्शन नहीं शो कर रही हूँ इसलिए मैं माइनस नहीं लगा रही हूँ, मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रही हूँ और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज का और प्रोटॉन के चार्ज का सेम होता है, यानी कि कितना होता है 1.6×10^-19, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर यानी कि 5.3×10^-11 का स्क्वायर, समझ में आ गई। इसको देख लें आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्या करेंगे 1.6 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, ठीक है।
कैलकुलेटर से नहीं करनी है, सारी कैलकुलेशन खुद करनी है। अच्छा देखो, 10 रेज़ टू, अच्छा ये 10 की पावर ऊपर कितनी बचेगी, -38 तो ये हो गई, -38 और +9 कितने हो गए, -29, ठीक है। और नीचे कितना बचेगा, 5.3 का आप स्क्वायर कर लें इंटू 10 रेज़ टू पावर कितनी हो गई, 11 दूनी 22, है ना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 9 × 1.6 × 1.6, समझ में आ गई बात। अब आप इन सबको क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको भी, स्क्वायर को भी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आएगा डिवाइड करने पर 8.2, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने पर और इसका स्क्वायर करने पर, इसमें इससे डिवाइड करने पर, ठीक है। और 10 की पावर कितनी आएगी, 10 की पावर -22 को ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 रेज़ टू पावर -29 +22 कितना हो गया, ये हो गया 8.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस, ये आपका आएगा 10 रेज़ टू पावर -7, ठीक है, न्यूटन। अच्छा एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, है ना। देखें इतना ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है, 1.6 और 9 को मैंने मल्टीप्लाई किया पहले तो कितना आया, 23.04, ठीक है, ओके 23.04। मुझे इसको डिवाइड करना है, पहले मैं स्क्वायर कर लेती हूँ, 5.3 × 5.3 28.09, ठीक है। तो 23.04 को आप डिवाइड करेंगे 28.09 से, ठीक है, तो ये आया 0.82, है ना। तो वही मैं देख रही थी, चेक कर लिया मैंने, 0.820, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आएगा, 0.820, ठीक है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप इसको करेक्ट करके लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अगर मैं इसको 8.2 × 10⁻⁸ -8 न्यूटन कह दूँ तो कुछ गलत है क्या, नहीं है गलत। पता है कैसे, वो मैंने केवल इस पॉइंट को इधर से इधर खिसकाने के लिए किया है। आंसर ये भी सही है, आप यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 10 की पावर को कैसे घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं 10 से ऊपर नीचे क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई 10 से ऊपर 10 से नीचे, ठीक है। तो 10 को जब आप इस 0.820 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.2 ही तो आएगा, ये एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने की वजह से, और 10 की पावर 1 ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी और -8 आ जाएगा, समझ में आ गई। तो ये पता होनी चाहिए, बहुत से बच्चों को नहीं पता होती, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है ना, मे बी हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने पहला काम कर लिया, यानी कि हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, अट्रैक्टिव पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आगे लिख रखा था, कंपेयर दिस फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स है उसको मुझे ग्रेविटेशन फोर्स से कंपेयर करना था, उसके लिए मुझे इसने जी दे रखा है, जी कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है, 6.67 × 10⁻¹⁰ N·m² और किलोग्राम की पावर -2, ठीक है, ओके। इसके अलावा इसने क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है ना, प्रोटॉन का चार्ज दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन का मास और दे रखा है इसने, 9.1 × 10⁻³ -31 kg। ये सारी चीज़ें 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है, फिर भी इसने दे रखी है क्वेश्चन में। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मैं एफ जी से शो करूं तो वो क्या होता है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एम वन से क्या मतलब है, एम वन है इलेक्ट्रॉन का मास और एम टू है प्रोटोन का मास, और नीचे डिस्टेंस तो वही रहेगी। बस ग्रेविटेशन फोर्स से कैसे कंपेयर करोगे, कि यहाँ पे तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस रखे थे, बट आप यहाँ पे क्या रखोगे, मासेस रखोगे दोनों पार्टिकल्स के, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा दो मासेस के बीच लगता है, जबकि कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ पे हमने K यूज़ किया था, उसकी कांस्टेंट वैल्यू ये थी, लेकिन यहाँ पे हम G यूज़ कर रहे हैं और उसकी कांस्टेंट वैल्यू हमें ये भी कांस्टेंट है, ये याद होनी चाहिए, हालांकि क्वेश्चन में दे रखी है आपको, ठीक है। बस सभी चीज़ों को रख दो, एफ जी इज इक्वल टू जी हम रख देंगे, 6.67 × 10⁻¹⁰ इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है 9.1 × 10⁻³⁻ और प्रोटोन का मास आपको गिवन है 1.67 × 10⁻²⁷ kg, यानी कि ये एमपी भी आपको गिवन है 1.67 × 10⁻²⁷ kg, और ये सब भी आपको पता होना चाहिए, सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए भाई आपको, ठीक है। और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 5. ये डिस्टेंस 3 × 10⁻¹⁰ का
स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको? जब आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, आप फिर से वही करेंगे, इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना न्यूमरेटर में, और इसका स्क्वायर 5.3 का डिनोमिनेटर में कर लेना, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना, फिर 10 की पावर्स को कलेक्ट कर लो ऊपर माइनस में और नीचे की। फिर जब आप सबको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एफ जी आएगा, पता है कितना आएगा? आपके पास आएगा 3.6 × 10⁻⁴⁷ न्यूटन। ठीक है, तो ये तो आया था 8.2 × 10⁻⁸ और ये आया 3.6 × 10⁻⁴⁷ न्यूटन। ठीक है, तो कौन किससे कम किससे ज़्यादा आया है? तो ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है। आप क्या कर लें, एफ ई में, यानी कि ये जो आपका कूलम फोर्स है, सी कह दो आप इसको या इलेक्ट्रोस्टैटिक कह दोगे तो ई लगा दोगे, जब आप एफ सी में एफ जी से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8.2 × 10⁻⁸ में आप डिवाइड कर दो किससे? 3.6 × 10⁻⁷ से। समझ में आ गई बात? जब आप इसको डिवाइड करोगे तो पता है आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 2.27 × 10⁻⁹। कैलकुलेशन आप खुद करनी है भाई, वो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, या आप इसको कूलम फोर्स कह रहे हो, तो ये क्या आता है? 2.27 × 10⁻³⁹ टाइम्स आता है किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, क्योंकि इसने कहा है बाद में कि इस फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को कंपेयर कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी कि इनमें क्या रिलेशन मिलता है। तो हमने क्या रिलेशन निकाला कि कूलम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना गुना ज़्यादा होता है। समझ में आ गई? तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए आप। समझ में आ गई? और ये हमने इस क्वेश्चन से भी प्रूव कर दिया। समझ में आ गई बात? इस पूरी कैलकुलेशन में आपको कहीं भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बता के एक बार मेरे को बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से कर दूँ एक्सप्लेन। हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, आपने फॉर्मूला में सारी वैल्यूज रखी है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में वैल्यू रख दी। ग्रेविटेशनल फोर्स का ये फॉर्मूला हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस हमने मासेज रख के कंपेयर कैसे किया, आप चाहें तो दो में एक से डिवाइड कर लें या वन में टू से डिवाइड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेशन लास्ट में यही आएगा। समझ में आ गई? तो इससे क्या कंक्लूजन मिला? इलेक्ट्रिक फोर्स इज 2.27 × 10⁻³⁹ टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गई बात? ओके, आज मैं नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी, बट मैं चाह रही हूँ कि एक नया टॉपिक शुरू हो जाए। या फिर एक काम करते हैं, अभी क्योंकि सिर्फ 3 ही मिनट बचे हुए हैं, 2 मिनट, तो आप एक न्यूमेरिकल कर लीजिए, क्योंकि उसमें टॉपिक शुरू नहीं हो पाएगा, है ना। चलें, टॉपिक हम कल शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी आज होमवर्क करने के लिए, एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज 18 न्यूटन, है ना। तो दो पॉइंट चार्ज है जो वैक्यूम में रखे हुए हैं, उनमें 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इफ अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 1 मिलीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ 6 इज प्लेस्ड बिटवीन दीज चार्जेस, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स। आप कॉपी में नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ इस क्वेश्चन को। समझ में आ गई? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ फोर्स बतानी है, जबकि आपको फोर्स किन्हीं दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में बता रखा है, ग्लास स्लैब की थिकनेस बता रखी है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता रखा है, आपको डिटरमाइन करना है फोर्स की वैल्यू। समझ में आ गई? देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे आप, अच्छा एक चीज और देख लें आप, रिलेशन बिटवीन फोर्स एग्जर्टेड इन अ मीडियम एंड वैक्यूम, पता है कितना होता है? फोर्स ये तो है एफ एम, यानी कि मीडियम में लगने वाला फोर्स, और ये है नॉर्मल फोर्स जो कि वैक्यूम में लग रहा है। ठीक है, और नीचे एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको क्वेश्चन में क्या, तो ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एग्जर्टेड इन अ मीडियम एंड इन अ वैक्यूम। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखें, आप पेपर में पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। आपको गिवन क्या क्या है? गिवन है आपको वैक्यूम में फोर्स, आपको गिवन है ना, यानी कि आपको
फोर्स इन वैक्यूम, यानी कि F आपको गिवन है कितना, 18 न्यूटन। ठीक है, आपको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि एप्सिलॉन आर भी आपको गिवन है कितना, 6 क्वेश्चन में दे रखा है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड इन अ मीडियम, ठीक है, FM। बस आपको क्या करना है, 18 में 6 से डिवाइड करना है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो यही है, तो कितना आ जाएगा, 3 न्यूटन। समझ में आ गई? तो ये आपके पास, ये छोटा दिख रहा है बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एक नया फॉर्मूला हमने आज देख लिया। समझ में आ गई? तो दो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किया और एक फॉर्मूला, फॉर्मूले के बारे में देखा। इन नेक्स्ट वीडियो, अच्छा इससे पहले आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको करना है घर से, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसको पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिएगा। टू पॉजिटिव आयंस ऑफ सेम चार्ज रिपेल ईच अदर विद दिस फोर्स, फोर्स गिवन है आपको, डिस्टेंस भी गिवन है आपको 5 एंगस्ट्रम। यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन ईच आयन इन जनरल स्टेट, तो आपको ये क्वेश्चन करना है भाई, ठीक है, जिसका हो जाए वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर रिप्लाई कर दे, ठीक है, ओके, थैंक यू। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, ओके, इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, थैंक यू।